हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज आज मैं बात करूँगा फुल कॉन्टिनेंट की, किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं बात करूँगा। आज मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो कंट्रीज़ हैं, क्यों इतनी ज़्यादा अनफेमस हैं टूर एंड ट्रैवल एंड इमिग्रेशन के लिहाज से, क्यों ये ज़्यादा फेमस नहीं है, और व्हाट आर द बेनिफिट्स अगर आप इस पर्टिकुलर जो है कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट करते हो फॉर द इमिग्रेशन पर्पसेस, एंड वहाँ पे अगर आप जाते हो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे आप वहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हो, तो एक ओवरव्यू देने के लिए आपको इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि आप सभी का मे बी फ्यूचर बहुत अच्छा सिक्योर कर सकता है अगर आप इसको एक पॉजिटिव वे के अंदर लेके चलोगे। डेफिनेटली साउथ अमेरिका में बहुत सारे चैलेंज भी हैं और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर आप अपना फ्यूचर इन कंट्री के साथ में देखना चाहते हो तो क्या क्या बेनिफिट है और कैसे कैसे क्या क्या आपको करना पड़ेगा। हम बात करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी इज़ वन ऑफ द कॉन्टिनेंट पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है। अभी के टाइम में अगर हम बात करें 21 कंट्रीज़ हैं आज की डेट में साउथ अमेरिका के अंदर, और तकरीबन 3 से 4 कंट्री ऐसी हैं जो इंडियंस को फ्री वीज़ा देती हैं, ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। अगर इन सभी के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा बेनिफिट क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं दैट वाई यू इफ़ यू लुकिंग योर फ्यूचर इन साउथ अमेरिकन, तो वहाँ पे बेनिफिट क्या है। अगर आप बात करते हो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साउथ अमेरिकन कंट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे ईजीएस्ट है अगर आप वहाँ पे अपना पीआर और पासपोर्ट के लिए जाते हो। रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इनकम सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, डेफिनेटली ये भी चैलेंजेस आपको साथ में ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अगर आप वहाँ पे सर्वाइव करते हो मिनिमम 3 to 5 years, 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 5 years, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के अंदर आप कौन से स्टेटस ऑफ वीज़ा के ऊपर हो, तो इन कंट्री में आपको पीआर पासपोर्ट बहुत ही इजीली मिल जाएगा, और इन कंट्री के पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप बात करोगे ना तो पूरे का पूरा यूरोप और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़, रशियन कंट्रीज़, ये आपको फ्री ऑन अराइवल मिलेंगी, पूरे के पूरे यूरोपियन शेंगेन कंट्रीज़। अगर आपके पास में पासपोर्ट है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का तो आपको ये वीज़ा फ्री देती हैं। तो आज हम बात करते हैं सभी कंट्रीज़ के बारे में, वन बाय वन मैं आपको सभी कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसके बेनिफिट क्या हैं और कैसे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें ऐसी भी कंट्रीज़ का नाम आएगा जो आपने मे बी फर्स्ट टाइम सुनी होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ये कंट्रीज़ इन फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इनको एक ट्रांजिट कंट्री की तरह यूटिलाइज़ किया है फॉर यूएसए। यूएसए के अंदर डोंकी लगती है, आपको पता है 2 नंबर से बहुत सारे लोग ब्राज़ील से बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो अपना ट्रैक रास्ता यूज़ करते हैं वो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज ही होती हैं, तो यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, यहाँ से आगे वो यूएसए के अंदर एंट्री करते हैं, और यूएसए गवर्नमेंट ने इन कंट्रीज़ के ऊपर एवरी ईयर बहुत सारे क्लेम्स करता है कि आपके इन कंट्री से ही हमारे यूएसए के अंदर इनलीगल माइग्रेंट जो आते हैं, तो इनका वीज़ा और जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ा, वीज़ा का जो सिस्टम है वो थोड़ा रिजिड रहता है, थोड़ा टफ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो बहुत ही ईजिली आप इन साउथ अमेरिकन कंट्री का वीज़ा ले सकते हो अगर आपके पास में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप भी यूटिलाइज़ करना चाहते हो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का वीज़ा, और वहाँ पे भी आपका अच्छा खासा स्कोप हो सकता है अगर आप वहाँ पे पीआर और पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हो, टीआर अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्टली। बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, जिसमें आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, जैसे 10,000 US डॉलर हो गया, 20, 30, 25,000, 50,000 US डॉलर हो गया, बहुत सारी ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री हैं अगर आप दिस मच ऑफ अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो इन टर्म ऑफ बिजनेस या रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ या डोनेशन के नाम पे, तो आपको लीगली टीआर दे देती हैं, आप अपना वहाँ पे बिजनेस वगैरह बहुत ही कम खर्चे में शुरू कर सकते हो, और वहाँ पे 1-2 साल, 3 साल मिनिमम रह के 3-4 साल में पीआर पासपोर्ट भी अपना वो ले सकते हो, टीआर को जो लीड करता है फर्दर पीआर पासपोर्ट। और पासपोर्ट की वैल्यू की हमने बात ऑलरेडी कर दी है कि यूरोपियन कंट्री सारी की सारी ऑन अराइवल हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं साउथ अमेरिका में
जैसे कि चिली हो गया, जिसके अंदर न्यूजीलैंड का भी वीज़ा आपको फ्री मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपसे बात कर लें, चिली कंट्री इज़ वन ऑफ द साउथ अमेरिकन फेमस कंट्री है। इसके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है। इसमें यूरोप तो मिलता ही मिलता है, उसके बाद में आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा है वो फ्री मिलता है, ऑन अराइवल वीज़ा आप न्यूजीलैंड का एक्सेस कर सकते हो। US का वीज़ा है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, चिली लोगों के लिए जो चिली सिटीजन हैं उनके लिए US का वीज़ा भी, वीज़ा ऑन अराइवल वो एक्सेस कर सकते हैं USA को भी अगर आपके पास में चिली का सिटीजनशिप है। और अभी हम वन बाय वन कंट्रीज़ के नाम की बात करते हैं, फर्दर मैं आपको और भी डिटेल इस कॉन्टिनेंट के बारे में इन डेप्थ बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्राज़ील कंट्री बहुत ही फेमस कंट्री, इसकी GDP ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो ब्राज़ील में आप अपना फ्यूचर या स्कोप दे सकते हो, या वहाँ पे आप टूरिस्ट के लिहाज से भी ब्राज़ील है जो बहुत ही अच्छी कंट्री है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो हर साल एनुअली इस कंट्री के अंदर जाते हैं। उसके बाद में अगर अच्छी GDP वाली कंट्री की हम बात करें, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में भी आप अपना फ्यूचर है जो वो अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। थोड़े बहुत इनकम चांसेस भी आपको इन दोनों कंट्री के अंदर, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में आपको मिलेंगे, पैसा कमाने के थोड़े मौके भी मिलेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर अगर GDP के ऊपर हम सर्च करेंगे तो उरुग्वा कंट्री है, वो बहुत ही अच्छी है, फेमस कंट्री है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। उरुग्वा बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट या वहाँ पे लैंड वगैरह खरीद के TRPR भी ले सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको उधर जाके PR मिल सकती है। उसके बाद में आप पेरू जा सकते हो, पेरू कंट्री है, चिली है, वेनेजुएला है, एक्वाडोर है, बोलीविया है इसके अंदर, और गुआना है, सुरीनेम कंट्री, पैरागुआ कंट्री है, फ्रेंच गुआना नाम की कंट्री, आइलैंड भी है जिसकी हम बात करें, ट्रिनिडेड एंड टोबैको, फालकैंड आइलैंड है इसके अंदर, कुराकाओ आइलैंड है इसके अंदर। ये सारी की सारी 21 कंट्रीज़ हैं, वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दीज कंट्रीज़ आर वेरी इजी इन टर्म ऑफ देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आपको ईजिली TR मिल जाती है। TR लेने के लिए आपको या तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में चेंज करना पड़ेगा, आप अगर रियल स्टूडेंट हो या आप अगर पढ़ना चाहते हो बहुत ही कम खर्चे में, आप वहाँ पे जाके भी इनसाइड कंट्री भी अपना ये स्टेटस है जो चेंज कर सकते हो। बहुत ही कम फीसेज में आप वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस को एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ पे रह के एक साल दो साल स्टडी करके फर्दर लीड करेगा आपके वर्क परमिट को, वर्क परमिट के ऊपर आप TR ले सकते हो, यानी कि फर्दर आप वहाँ पे पासपोर्ट और PR भी ले सकते हो। विद फैमिली के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो अभी आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं जो आप TR PR के ऊपर एक्सेस कर सकते हो विद फैमिली। और वहाँ पे फैमिली अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, उसकी भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए, वहाँ पे क्या होता है, अगर आप फैमिली प्लान करते हो, हस्बैंड वाइफ को भी अपना फैमिली प्लानिंग करते हैं, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आपको वही स्टेटस मिलता है एज़ पर योर पेरेंट्स। अगर आप स्टूडेंट पे हो तो उसको टेम्परेरी वीज़ा ही मिलेगा, वर्क परमिट के ऊपर हो तो भी आपके बच्चे को TR ही मिलता है, टेम्परेरी वीज़ा ही मिलता है। लेकिन इन कंट्री में सिस्टम क्या है, अगर आप लीगल हो एट एनी ऑफ द वीज़ा स्टेटस, आप विजिटर पे, आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हो, वर्क परमिट पे हो, TR पे हो, तो आपका अगर न्यू बॉर्न बेबी है वो डायरेक्टली वहाँ का सिटीजन होएगा, यानी कि डायरेक्टली आपको उसका पासपोर्ट है जो वो मिलेगा, जिसके फर्दर आपको बेनिफिट ऑलरेडी पता है। आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो, मैक्सिमम 70-80% कंट्रीज़ के अंदर इसका वीज़ा है जो फ्री है। तो स्टूडेंट के बिना आप वहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हो, वर्क परमिट के लिए किसी भी एम्प्लॉयर या वहाँ पे एग्जिस्टिंग को कंपनी है, आप उससे अपना TR जो कॉन्ट्रैक्ट है वर्क परमिट का, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपना टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट है जो TRC अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजीली आपका स्टेटस इनसाइड कंट्री ही चेंज हो जाता है, आपको वापस बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम खर्चे में आप वहाँ पे अपना बिजनेस या कंपनी वगैरह बना सकते हो। ये सारी की सारी कंट्री में ऑलमोस्ट आइलैंड है, समुंदर है, सी है, तो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी कंट्री हैं। आप गल्फ़ में हो, इंडिया में हो या एशिया से ट्रेडिंग का काम वहाँ पे जाके कर सकते हो, तो उसके अगेंस्ट भी आपको TRPR है जो मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप वहाँ पे अपना डायरेक्ट कंपनी हो गया इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत सारी ऑप्शन है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है 20-30-50,000 US डॉलर की, डायरेक्टली अपना सिटीजनशिप या PR भी ले सकते हो। सम ऑफ द कंट्रीज दोज हैव दीज प्रोग्राम्स जो मैं आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा।
तो ये इसके बेनिफिट है। अभी चैलेंजिंग पार्ट क्या है? चैलेंजिंग पार्ट है सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर। ये कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज़ में इनकी खुद की लैंग्वेज है। जैसे हम बात करें उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इनकी खुद की लैंग्वेज है, बट स्पेनिश वहाँ पर मोस्टली बोली जाती है। अभी ये कंट्री इतनी लीनिएंट क्यों है, अगर हम बात करें क्यों ये इतनी आसानी से पीआर पासपोर्ट देती हैं, बिकॉज़ यहाँ के जो मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर है ना, इन कंट्री के अंदर वो रहते नहीं हैं, बिकॉज स्टिल दीज कंट्रीज़ आर द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे हमारा एशियन कंट्री है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, तो वो भी उनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं है, इतने ज़्यादा वहाँ पे पैसे नहीं है, तो वहाँ पे जो यंगस्टर हैं वो प्रेफर करते हैं यूएसए जाना, कनाडा जाना। मोस्टली आपको यूएसए कनाडा के अंदर जो लेबर है वो इन्हीं कंट्री से मिलेगी, जो भी लेबर जाती है वो इन साउथ अमेरिकन कंट्री से ही जाती है, अपने वर्क परमिट लेके वो यूएसए कनाडा में जाके सेटल हो जाते हैं, और इनके यंगस्टर मोस्टली उधर ही रहना प्रेफर भी करते हैं। तो इन कंट्री के अंदर या तो ज़्यादा ओल्ड एज पीपल आपको मिलेंगे या छोटे बच्चे आपको मिलेंगे, यंगस्टर वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट प्रेफर करती है ऑलवेज इमिग्रेंट को कि आप हमारी कंट्री में आओ, बाहर की कंट्री से आओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो या जॉब लो या वर्क परमिट लो, व्हाट्स एवर द थिंग इज़, हम आपको बहुत ईजिली पीआर पासपोर्ट देंगे। अनदर पॉइंट क्या है, इन कंट्री को लोगों ने ट्रांजिट वीज़ा की तरह यूज़ किया है। इनका वीज़ा लीनियर था पहले, बहुत ही आसान था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से फिर यूएसए कनाडा को वो डंकी लगा के दो नंबर में जाते हैं। तो इन कंट्री को अभी थोड़ा वीज़ा जो रेशियो है थोड़ा इतना ज़्यादा लीनियर नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, यू कैन स्टिल गो इन दिस कंट्रीज़ एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो वीज़ा एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, लीनियर पॉलिसीज़ हैं, आप उनका बेनिफिट लेके अपना TR PR पासपोर्ट है जो वो ले सकते हो। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की। अगर आप इन कंट्री के अंदर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो इंडियंस के लिए इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर आप इंडियन हो, इफ़ यू हैव अ इंडियन पासपोर्ट, तो आपके लिए थ्री कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं, आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें एक्वाडोर है, गोआना है और बोलीविया है। ये तीन ऐसी कंट्री हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडियंस को वीज़ा फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं। तो आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू बुक योर पैकेज, जिसमें आपका रिटर्न टिकट्स होना चाहिए, होटल होना चाहिए वहाँ पे, या कोई भी अकोमोडेशन के पेपर्स, एंड प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, सफिशेंट फंड्स आपके पास में होने चाहिए, और थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करके जाओ उस कंट्री के बारे में जिधर आप जाना चाहते हो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आपको उधर जाके घूमना है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, इमिग्रेशन के अंदर जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हो, बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली ये कंट्री के इमिग्रेशन ऑफिसर जो उधर बैठे होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, आपसे पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे, बिकॉज वीज़ा आपको ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर मिल रहा है। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली दे दोगे विदाउट एनी हैजल, तो आपको फ्री एंट्री मिल जाती है इन कंट्री की, और वहाँ पे जाके आप प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस देख सकते हो, घूम फिर सकते हो। अगर आपको कोई जॉब वगैरह सर्च होती है तो आप अपना वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़ा में भी इसको चेंज कर सकते हो। 3-4-5 साल आप उधर रहोगे, लीगली रहोगे, काम करोगे अच्छा, तो आपको PR पासपोर्ट भी इन कंट्री का ईजिली मिल जाता है। तो इन तीनों कंट्री में इंडियन नेशनल को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज़, अगर आप ब्राज़ील, अर्जेंटीना या और उरुग्वे, पैराग्वे ऐसी कंट्री में जाना चाहते हो जिसका मैंने पहले नाम बताया है, तो इसके लिए आपका सभी का पासपोर्ट होना चाहिए, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इट शुड बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स और मोर देन दैट। मिनिमम आपकी 3 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। अभी ये कंट्री यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर हम गल्फ की बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी डिस्टेंस पे है साउथ अमेरिकन। फ़्लाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको अगर डायरेक्ट फ़्लाइट भी होती है, रियली डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है, यूएई से दुबई से आपको समटाइम फ़्लाइट मिल जाती है डायरेक्टली, तो तकरीबन 15-16 घंटे की फ़्लाइट्स जो है इनकी आएगी मिनिमम। मोस्टली इनडायरेक्ट फ़्लाइट होती है, ट्रांजिट वीज़ा भी हमको अप्लाई करना पड़ता है। शेंगेन की बात करें तो शेंगेन से ट्रांजिट बहुत सारी कंट्रीज से ये होता है, तो तकरीबन 24 घंटे 20 घंटे 25 घंटे इस तरीके से आपको फ़्लाइट टिकट्स है, जो फ़्लाइट का ड्यूरेशन है वो होता है। फ़्लाइट टिकट भी एक्सपेंसिव होती है, तो आपको मिनिमम 3 या 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा विद द सफिशिएंट बैलेंस। मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में 18-20 हज़ार एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप इन कंट्री का वीज़ा है जो अप्लाई करना चाहते हो। आपकी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, NOC लेटर चाहिए, आपको फ़ोटो चाहिए, और इसके बिना आपका वैक्सीन COVID-19 का वैक्सीन है वो आपका फुली आपका होना चाहिए दोनों डोजेस का। हमारी जो फीस है इन सभी कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वीज़ा अप्लाई करने की सेम ही है, 100-200 नीचे हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंट्री एंड द वे ऑफ एप्लीकेशन। तो रफली मैं आपको बता देता हूँ, 800 दिरहम प्लस एम्बेसी का फीस
ये एडिशनली आपको देना है 800 ग्राम हमारी फीस, इसमें वैट आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस साउथ अमेरिकन कंट्री। मेजॉरिटी ऑफ कंट्री का जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ये ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, इसका डायरेक्टली शेंगेन की तरह कोई भी VFS ग्लोबल नहीं है, यानी कि आपको कोई फर्दर सेंटर नहीं है जहाँ पे आपके जाके फाइल जमा करना है, डायरेक्टली हमको और आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एम्बेसीज के साथ में, तो या फिर कौंसुलेट सेक्शन के साथ में, कौंसलर के साथ में। तो इसकी अपॉइंटमेंट आपको हम लेके देंगे, फाइल आपको पूरी हम बना के देंगे। अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है साउथ अमेरिकन कंट्री की, चेकलिस्ट में आप एलिजिबल करते हो, देन वी विल मेक योर फाइल। तो उसकी फाइल बनाने के लिए आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हो, हमसे कंसल्ट भी कर सकते हो, कंसल्टेंसी हमारी फ्री है। संडे मेरा ऑफिस बंद है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे यू कैन कम एंड विजिट हियर एंड मीट हियर रिलेटेड टू दीज कंट्रीज एंड वर्ल्ड वाइड के अंदर अनदर कंट्रीज़ के लिए, वीज़ा के लिए या इमिग्रेशन पॉलिसीज के लिए जानकारी के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वीक में 2-3 बार कंटिन्यूसली इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ है जो अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द इमिग्रेशन एंड वीज़ा पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।